अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑन कमल्स वर्ल्ड। एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और मुश्किलें परेशानियाँ आपकी दूर करे। तो गाइज, आज का मेरा व्लॉग जो है स्टार्टिंग विद हुज़ैफ़ा की वॉक। तो ही वॉन्टेड टू सी डक्स। यहाँ पर हमारे घर के पास ही डक्स हैं, तो मैं बस उसको लेके जा रही हूँ वो डक्स दिखाने के लिए। तो दिस वाज गाइस वीडियो फ्रॉम फ्राइडे। हाथिया को स्कूल छोड़ा और इसको जो है वो डक्स दिखाने के लिए मैं लेके आई थी। मुझे पहले पता नहीं था कि यहाँ पे डक्स होती हैं, तो मेरी फ्रेंड शी टोल्ड मी, वो भी अपने बेटे को दिखाने के लिए लेके आती। तो आई थॉट कि हुज़ैफ़ा इज़ गोना गेट हैप्पी, तो वो काफ़ी एक्साइटेड भी हुआ था। तो वी जस्ट वेंट, हमारी वॉक भी हो गई थोड़ी सी और हुज़ैफ़ा भी खुश हो गया। तो दिस वॉज दैट। Duck? Yeah. Let me bite my finger. Whoa, what's that? What is the duck doing? जी गाइस, तो ये मैंने छोटी सी सेविंग मशीन ली है, मिनी सेविंग मशीन। मुझे वैसे तो आई डोंट नो हाउ टू सो द कपड़े, बट ये है कि घर में कभी कोई ट्राउज़र या कोई शर्ट या कुछ भी मुझे फ़िक्स करना हो तो सुई धागा जो है वो काइंड ऑफ अनोइंग था, क्योंकि एक तो सुई धागे के साथ देर भी लगती है और सेकंड उसकी वो वाली फिनिशिंग नहीं होती जो कि मशीन से होती है। तो मुझे वैसे तो कपड़े सिलाई करने नहीं आते, वो मेरी आप ही करके देती हैं, लेकिन ये है कि अगर कुछ फिक्स करना हो तो उसके लिए मैंने बस ये छोटी सी ली है। इट्स रियली, आई थिंक इट्स वर्थ इट। मेरे छोटा छोटे काम जो हैं, जैसे कि कोई फिटिंग करनी हो या कुछ भी फिक्स करना हो तो उसके लिए परफेक्ट है। मैंने, मुझे लगता है कि इट्स अ परफेक्ट परचेज। तो गाइस, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये डिफरेंट चीज़ें ऊपर बनी हुई हैं, जैसे कि ये आपको नंबर्स लिखे हुए हैं और डिज़ाइंस बने हुए हैं। इसका मतलब है कि जिस नंबर पे आप रखें और डिफरेंट चेंज कर सकते हैं। ये बटन जो है, ये गाइस अगर आपके पास आप फुट नहीं यूज़ करना चाहते तो उसको प्रेस कर दें तो मशीन चलती रहेगी। और इट्स लाइक नॉर्मल मशीन, जैसे कि बड़ी वाली मशीन होती हैं। धागा है यहाँ पे, वहाँ नीचे प्लग्स वगैरह लगते हैं जो मैं आपको भी लगा के दिखाऊंगी, फुट पैडल और प्लग इन करने के लिए। तो इट वाज ऑल सेट। इसके साथ ये छोटे दो बॉक्सेस आए थे जिसमें मेजरिंग टेप और धागा वगैरह था। ये इसके साथ, इसमें कैंची भी थी छोटी सी, तो सारा कुछ उन्होंने साथ दिया है, जिस मुझे सेपरेटली लेना नहीं पड़ा। तो ये तीन थे मेरे थ्रेड वाले जो हैं इसके साथ। तो अभी मैं आपको ये चला के भी दिखाती हूँ कि मैं किस तरह यूज़ करती हूँ। ये है प्लग इन पावर के लिए, और इसके साथ ये पैडल है जिससे मशीन चलेगी। अगर आप पैडल यूज़ नहीं करना चाहते तो वो बटन प्रेस कर दें तो पैडल के बगैर भी मशीन चल जाती है। तो इट वाज रियली गुड। मैं अभी आपको दिखाती हूँ यूज़ करके भी। ये गाइस मेरा एक कुर्ता है जो कि मैं आपको ऐसे ही चेक करवाने के लिए दिखा रही हूँ। काइंड ऑफ खुला था तो आई थॉट कि मेरा थोड़ा इसकी फ़िटिंग भी हो जाएगी और मैं साथ में आपको दिखा भी दूँगी कि कैसे इसकी सिलाई जो है वो वर्क करती है और मशीन कैसे है। तो मेरा काम भी हो गया और आपको दिखा भी दिया मैंने। Thank you.
अभी मैं ये बटन ऑन करने लगी हूँ ताकि मुझे पैडल जो है वो यूज़ ना करना पड़े। तो इसको ऑन कर दिया है, अभी मुझे पैडल भी यूज़ नहीं करना पड़ा। पैडल थोड़ा सा अनोइंग था गाइस नीचे बैठ के उसको यूज़ करना, क्योंकि इट्स एक्स्ट्रा स्मॉल, तो आई वुड प्रेफर यूजिंग द बटन। जी गाइस, तो सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है, अभी मैं बस इसको पैक करने लगी हूँ। इतना सा काम था मेरा, मैंने बस आपको दिखाना था, और कुछ ज़्यादा करने वाला नहीं था। जैसे उसकी फिटिंग की, और अभी मैं मशीन जो है इसको वापस पैक करती हूँ, और फिर आपको अपनी जो कुर्ता है वो दिखाती हूँ कि उसको फाइनली मैंने कर लिया है फिटिंग उसकी, एंड सिलाई भी आपको मैं दिखाती हूँ। इट्स रियली नाइस एंड आई लव द मशीन, इट्स रियली परफेक्ट। ये देखें गाइस, इतना खुला था ये पहले, और अभी मैं आपको सीधी करके दिखाती हूँ शर्ट। और ये देखें, इट्स नाइस कुर्ता, क्योंकि खुले ही अच्छे लगते हैं, बट ये है कि इसका ये कुछ ज़्यादा खुला था, तो अभी भी मैंने ये देखें सिलाई नाइस एंड परफेक्ट। तो आई एम हैप्पी विद द मशीन गाइस। दिस वाज अ रियली वियर्ड सिचुएशन, ये हमारी रोड पे कुछ ना कुछ तो हुआ ही रहता है एक्सीडेंट वगैरह, लेकिन ये पुलिस चेस हो रही थी। ये नॉर्मली मैंने टीवी में ही देखा है, लेकिन ये लाइव देख लिया। देयर वर थ्री यंगस्टर्स, छोटे छोटे बॉयज होंगे, कोई होंगे छोटे छोटे ही होंगे, आई डोंट नो, एंड देयर वर थ्री, और वो चोरी करके निकल रहे थे कार, और पुलिस जो है उनके पीछे लगी हुई थी, और यहाँ पे पुलिस ने जो उनको आगे से पकड़ा, तो गाड़ी से निकल के भाग गए। दो पुलिस वाले जो उनके पीछे भागे थे, पता नहीं अब उनको पकड़ लिया उन्होंने कि नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक और पीछे गाड़ी थी, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। उसमें वो ये जो बॉयज थे, ये आई थिंक उसमें भी जाके लगे, और वो जो है ट्विस्ट करके वो भी कर्ब के ऊपर चली गई, और वो बेचारे उनकी गाड़ी जो है उनका टायर जो है वो ख़राब हो गया। ये ऊपर आप अभी देखें कि हेलीकॉप्टर भी उन्होंने ऊपर किया है उनको सर्च करने के लिए, तो काफ़ी फिल्मी सीन बना हुआ था गाइस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि किसी को लगी नहीं। वो जो पीछे फैमिली थी, वो जो वो देखें सिल्वर कार, वो बेचारे भी शुक्र है अल्लाह का कि बच गए, अपने थे दोनों ब्लेसम, तो बच तो गए, लेकिन उनका भी नुकसान हो गया। गाड़ी का टायर जो है वो काफ़ी टूटा हुआ था, और ये बाइक, वो पुलिस वाला जो बाइक फेंक के उनके पीछे भागा था, वो सीधी कर रहे थे, ये देखें ऊपर ही चढ़ गई गाड़ी। वो पीछे नेबर थी, तो उसने तो सारा लाइव देखा, वो बता रही थी कि टर्न हो के गाड़ी जो है ना ऊपर आई है, तो ये पुलिस वालों ने पकड़ लिया। यहाँ पे बहुत अजीब सा रश बन गया था थोड़ी देर में, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लूँ। तो ये था गाइस ड्रामेटिक सीन, और ये हुआ चोरी करके भाग रहे थे बॉयज, और यहाँ जो है वो पकड़े गए, तो आई होप के पकड़ ले जाएँ। एक तो उन्होंने चोरी की ऊपर से, दैट वाज रियली डेंजरस, अल्लाह का शुक्र है कि किसी को चोट नहीं आई, बच गए। तो आई डोंट नो नेक्स्ट क्या हुआ होगा, लेकिन काफ़ी देर तक, नाइट तक यहाँ भी पुलिस रही। चलें, आप अपना ख्याल रखिएगा गाइस, आज का मेरा यही व्लॉग था, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा गाइस, और कमेंट सेक्शन में आके प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, आई वुड बी ग्रेटफुल। एंड इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।